नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर चंदौली से। चंदौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अंतर्राज्यीय शराब तस्करी करने वाले 5 अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर सैयद राजा थाना अंतर्गत कालेखां बाबा मजार के पास से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से 2 ट्रक व 1 स्कॉर्पियो में 2580 पेटी नजायज शराब बरामद हुई। देखिए चंदौली से हमारे संवाददाता जय तिवारी की रिपोर्ट। क्या है मामला? आज सैयद राजा पुलिस ने प्रभारी ग्रेवन के साथ में मिलकर एक बड़ा गैंग को पकड़ा है, जो शराब तस्करी कर रहे थे। करीब 2 ट्रक हरियाणा से निकल के ट्रक आ रहे थे, जिनमें बड़ी मात्रा में शराब थी। करीब 2580 पेटियां इनके द्वारा पकड़ी गई हैं और ये हाई एंड लग्जरी स्कॉर्पियो नई गाड़ी से इनको एस्कॉर्ट कर रहे थे, जो भी हरियाणा से इनके पहले पहले चल के आ रहे थे। इनका मोडस ऑपरेंडा ये था कि जितने भी बड़े चेक पोस्ट आ रहे थे, इससे पहले पहले ये गाड़ी आगे निकलती थी और चेक कर लेती थी। जैसे ही पुलिस का मूवमेंट डाउन होता था, ये पास करा लेते थे। और यही इसी मुखबरी की सूचना पे इस गाड़ी को ट्रेस किया गया। स्कॉर्पियो को ट्रेस करने के बाद बाकी ट्रकों को भी पकड़ा गया। बड़ी रिकवरी, यूपी की बड़ी रिकवरी में एक है ये। तो कितने कीमत है इसकी और आगे क्या कार्रवाई करेंगे? इसकी जो बिहार जाके मार्केट प्राइस है, वो करीब 1 करोड़ से ऊपर की हो जाती है। इसमें लग्जरी कार जो बरामदी है, कुल मिला के 1 करोड़ से ऊपर की ये रिकवरी है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें? सबसे पहले इनको जेल भेजा जा रहा है और इनका अगर बहुत पीछे कुछ इनके द्वारा कोई दोबारा ऐसे किया गया हो तो गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी।